इस चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ी घटना अभी की जो चल रही है वो है शुजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक नागरिक, भारतीय पूर्व नागरिक शुजा ने, सैयद शुजा ने सनसनी फैला दी है। उसने पूरे घटनाक्रमों को जोड़ करके भारत में जो चुनाव हुए हैं 2014 के लोकसभा के आम चुनाव, उनमें जिस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी का उसने जो खुलासा किया है या जो भी कथित खुलासा किया है, उसके बाद से देश की सियासत में उबाल है। शुजा के बारे में आप जान चुके हैं, शुजा कौन है, क्या है, कहां से है, क्यों है, जो कुछ भी है वो सारी कहानी समझ चुके हैं आप। ये सच है कि शुजा नाम का एक व्यक्ति है, ये सच है। और शुजा नाम का एक व्यक्ति संभवतः भारत का रहने वाला है, ये भी सच हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उसने घटनाओं को जोड़ा है, सारी देश के अंदर की जो घटनाएं हुई हैं पिछले 4-5 साल की, उनको जिस तरह से जोड़ा है, उस तरह से ये समझ में थोड़ा ज्यादा नहीं समझ में आ पा रहा है। कोई सबूत प्रमाण तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये समझ में जरूर आ रहा है कि ये जो पूरी कहानी सी गढ़ी गई है, एक ऐसी कहानी है जो अगर सच है तो चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली नहीं है बल्कि देश में लोकतंत्र को पूर्ण रूप से ध्वस्त मान देने की स्थिति वाली है अगर सच है तो, जिसकी संभावनाएं बहुत कम सच होने की हैं। क्योंकि जिस तरह से वो शुजा कह रहा है कि मुझे जो है किसी एक बीजेपी के नेता आए और उन्होंने जो उनके साथ जो गनर था उसने तड़ातड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, 14 लोग थे उनमें से कुछ लोग भागे, 12 लोग 11 लोग वहां पर मौके पर मौत हो गई, जो दूसरे फिर उनको जो है हैदराबाद में दंगे के जरिए बताया गया कि इनकी दंगे में मौत हुई, या कुछ भी बोला जा रहा है। उसके बाद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दे, 100 करोड़ डॉलर की रिश्वत दे करके व्यक्ति जो है निकल जाता है, अमेरिका पहुंच जाता है, या एक कोई अमाउंट जो बताया है अमेरिका चला जाता है, अमेरिका में उसको शरणार्थी के रूप में जगह मिल जाती है। बेशक शरणार्थी हो सकता है, लेकिन अमेरिका जैसा देश, जो पहली चीज तो सबसे पहले ये समझने की है कि जिस अमेरिका पर यह आरोप लगते हो कि वो मुस्लिम नाम देख करके सामान्य रूप से वीजा की जो प्रोसेस है उसको भी बहुत असामान्य बना देता है। इवन हमारे बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड के हैं इस बात की शिकायत शाहरुख खान तक कर चुके हैं, तो उस पर एक फिल्म भी बनी माइन अमीर खान, और इस तरह एक पूरी घटनाएं अमेरिका से जुड़ी हुई होती है। वो अमेरिका बिना किसी बहुत पुख्ता प्रमाणों के क्या किसी को शरण दे सकता है? क्या वो ऐसी किसी कहानी पर भरोसा कर सकता है कि वो जो है अपने देश में असुरक्षित है, इसलिए मुझे जो है एक शरणार्थी के रूप में जगह दी जाए? क्योंकि अमेरिका में शरणार्थी जो है बहुत कठिन प्रक्रिया है, सामान्य रूप से जो है घुसना कठिन है, और खासकर जब मुस्लिम नाम आपके सामने आता है, ये दुनिया जानती है, इसमें कोई भारतीय मुस्लिम नहीं, कहीं के भी मुस्लिम होते हैं, अगर मुस्लिम नाम जुड़ा हुआ है तो अमेरिका ने जो है अपने जो उसके जो पेंटागन हाउस पर जो हमले के बाद से बहुत ज्यादा सख्ती करना शुरू किया है, तो उसकी जांच रिपोर्ट जो है बहुत सख्त होती है, और इसके बाद कोई वहां पर वैध व्यक्ति भी बड़ी मुश्किल से ठीक मतलब असामान्य स्थिति में जाकर के उसको वीजा मिलता है। उस अमेरिका ने इसको अगर शरण दी है और शुजा वहां पर गया है, सिर्फ यही एक लौता तथ्य है जो शुजा की कुछ बातों को सही भी साबित कर सकता है, या थोड़ी बहुत उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा पूरी कहानी आप देखें तो पूरी कहानी कुछ कुछ ऐसी है कि हम जब कहानी लिख रहे होते हैं तो हमारे जहन में कुछ पात्र असली होते हैं, लेकिन हम उनका नाम बदल करके कहानी में डालते हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट जो होती है कुछ इस तरह की भी होती है, कुछ सत्य घटना पर आधारित। तो जो भी घटनाएं इस दौरान हुई, उन घटनाओं का बड़ा सही ढंग से उसको लिखा गया या बनाया गया और उस तरह से पेश किया गया। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति पर पूरी सरकार हमला करना चाहती है, वो पूरे लोग हमला करना चाहते हैं और उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ये बहुत कठिन है। दूसरी बात, भारत जैसे लोकतांत्रिक से ज्यादा सामाजिक देश में क्या इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इतना संगठित अपराध संभव है कि एक कोई व्यक्ति जाने कहां से मॉनिटर कर रहे चीजों को, दूसरे उसके नीचे की चैनल में लगे हुए 100,000-500 लोग भी उसी लेवल से काम करें, ये संभव सामान्य तौर पर भारत जैसे देश में नहीं है, जहां का समाज अभी भी सामाजिक नियंत्रण में है, पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में नहीं है, वहां इतना मैनेजमेंट, इतना प्रबंधन किसी अच्छे काम के लिए भी संभव नहीं है और खराब काम के लिए भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं लीक आउट बात होती।
बात दूसरी ये है कि फिर उसके बाद जैसे केजरीवाल जीत जाते हैं दिल्ली में, तो वो कहते हैं वो मशीनें नई बदल दी गई थी। फिर जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभी आए हैं रिजल्ट, तो वो अभी मशीनें बदल दी गई, मशीनें अलग हैं, वो वाली अलग थी, ये अलग थी। यानी पूरी कहानी में एकदम ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हम किस देश में रह रहे हैं, हम किस व्यवस्था में रह रहे हैं। एक बात, अब इसमें हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कोई पॉलिटिकल कंसर्न है, पॉलिटिकल रिलेशन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है? तो अभी फिलहाल में जो लग रहा है उससे बहुत बात क्लियर नहीं है कि किसी का पॉलिटिकल इसमें कनेक्शन हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा गौर से देखने की बात है कि इसमें जो पूरी कथा गढ़ी गई है या जो पूरी कहानी, अभी तक हम गढ़ी गई शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्वयं सुजाने या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कराने वाले मनीष रॉय ने किसी तरह की कोई भी तथ्य या सबूत प्रमाण देश या दुनिया के सामने नहीं रखे, इसलिए हम इसको पूरी कहानी अभी गढ़ी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में क्या राजनीतिक संबंध इसके हो सकते हैं? तो इस पूरी कहानी में जो भी सच होगा, जो भी झूठ होगा, वो बहुत लंबी प्रोसेस और लेंथी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो पाएगा। चूंकि इंटरनेशनल इश्यू, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में समय लगता है और ये इतने जल्दी महीना, 2 महीने या 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक जांच रिपोर्टें आएंगी तब तक जो है 2019 का इलेक्शन निकल चुका होगा। अब इसमें एक ही पॉलिटिकल कंसर्न और कनेक्शन समझ में आता है कि ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कैसे भी करके 2019 के आम चुनावों में ना लागू करवाना ही इकलौता इसके पीछे इंटेंशन दिखता है। अब ये इंटेंशन किसका है आप बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये जो है ईवीएम को इस तरह से डिफेम करना, इस तरह से उस पर अटैक करना, कॉन्टिन्यू अटैक करना, आखिर मंशा क्या है, आखिर बात किस बात की है? ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये प्रश्न अलग विषय हो सकता है। और इस पर चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी थी जुलाई 2017 में, सबको बुलाया था कि सबको बिल्कुल वो दिया गया था कि आप इसको हैक करके बताइए। कोई राजनीतिक दल नहीं आया, किसी राजनीतिक दल के पास कोई वो एक्सपर्ट भी नहीं था और वो खुद भी नहीं थे। जब आपके पास कोई प्रमाणित चीजें नहीं है तो हम इसको क्यों इतना उठाना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि आप मतपेटियों पर वापस जाइए। मतपेटियों पर वापस जाते ही जो है एक लेंदी प्रोसेस शुरू हो जाती है, खर्चीली प्रक्रिया और महा खर्चीली हो जाती है और उतनी एश्योरेंस और एक्यूरेटी उसमें भी नहीं रहती। जो वोट ऑफ रिजेक्शन है वो वोट ऑफ रिजेक्शन 20% एवरेज होता है मतपेटियों के मामले में, यानी अगर 100 वोट पड़े हैं तो उनमें से 80 वोट ही काउंटेबल होते हैं, 20 वोट अनकाउंटेबल होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम जाना चाहते हैं, हम फिर से डिब्बों में जाना चाहते हैं क्या? हम ऐसे, और इसको लेकर के तरह तरह के तर्क भी गढ़े जा रहे हैं। तो ये जो पूरी शुजा का जो पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है, ये हो सकता है कि ईवीएम को लेकर के उसको नेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पर खूब रखा गया, खूब राजनीतिक दलों ने उसको लेकर के सब कुछ बयानबाजियां की, विश्वास अविश्वास सब कुछ किया, टेक्निकली भी वो गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी उसमें जुड़वा दिया उसके जवाब में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। चुनाव आयोग लगातार जा रहे हैं लेकिन वो डिसकंटिन्यू नहीं हो रहे। तब फिर इसको किसी राजनीतिक दल ने एक अंतरराष्ट्रीय इसको इश्यू बनाने की कोशिश की ताकि इसके बारे में डिस्कशन दुनिया में होने लग जाए और दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि जो सरकार आपसे बात कर रही है या जो सरकार आपसे आगे चलकर बात करेगी वो सरकार जरूरी नहीं है कि भारत के लोगों ने चुनी हो। क्या हम ऐसा कोई मैसेज इस पूरी ईवीएम के जरिए देना चाहते हैं? दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय दबाव भी आए कि भारत में लोकतंत्र की अगर रक्षा करनी है तो ईवीएम को हटाना होगा। जिस ईवीएम ने लोकतंत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया है, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है, समय कम किया है, जिसने लंबी लंबी वोटिंग की लाइंस को छोटा किया है, और जो ईवीएम रिजल्ट्स में 2 दिन, 3 4 दिन चलने वाली प्रक्रिया को 3 4 5 घंटे में एश्योर्ड कर दे रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के इस तरह की जो जो जिन्हें कथित षड्यंत्र कह सकते हैं, ठीक नहीं है। अब इससे नुकसान और फायदा किसका है, ये बहुत ही ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में बहुत स्पष्टता से कुछ कहना संभव नहीं है, परंतु फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ईवीएम जो है देश से बाहर जाते हैं या देश की चुनावी प्रणाली से बाहर होते हैं और फिर से मतपेटियों का दौर आता है तो ये खर्चीला होगा, टाइम भी इसमें अधिक लगेगा, परिश्रम भी अधिक लगेगा,
और सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है ईवीएम लूटने की जो वारदातें हुआ करती थी, जहां पर बिहार जैसे राज्य में ऐसी घटनाएं अधिकाधिक होती थी, जहां पर ईवीएम लूट लिए जाते थे। कुछ ईवीएम काउंट उसमें आते थे, लूट की गिनती में आते थे, कुछ ईवीएम चुनाव रद्द होते, कुछ मतपेटियां रद्द हो जा चुनाव रद्द हो जाते थे, कुछ मतपेटियों में कुछ ऊपर नीचे करके अधिकारी भी उसको एडजस्ट कर देते थे। वो चीजें इसमें नहीं है, तो अपराध भी इस चुनाव में बढ़ेंगे अगर मतपेटियों पर जाते हैं तो। हम सिर्फ इस आधार पर या इस तर्क पर ईवीएम को खारिज भी नहीं कर सकते कि दुनिया ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रही, और इस तर्क पर हम उसको शामिल भी और हम उसको सम्मान भी नहीं दे सकते कि दुनिया सम्मान दे रही। भारत की अपनी एक व्यवस्था है, भारत की अपने एक निर्माण व्यवस्था है, भारत का अपनी एक चुनाव प्रणाली है। दुनिया का सबसे एफिशिएंट इलेक्शन कमीशन भारत का है। क्या हम इसके जरिए एक संवैधानिक संस्था को हम इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो ईवीएम को किसी भी सूरत में लागू करके रखना चाहती है? फिर बात आती है, जा रहे सारे तर्क जब खत्म हो जाते हैं, सारे तर्क आपके नीचे गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, तो आप फिर करते हो कि जिस व्यवस्था में लोगों का भरोसा ही नहीं, उस व्यवस्था को क्यों जारी रखना? लोग कौन? ईवीएम के विरोध को, खिलाफत को लेके क्या कोई ऐसा आंदोलन हुआ है कि कोई कोरेगांव की घटना हुई है क्या कहीं? या कहीं लाखों लोग किसानों की तरह कहीं इकट्ठा हुए हैं कि ईवीएम बंद करो? क्या कभी कोई अन्ना हजारे जैसा कोई आंदोलन खड़ा हुआ है कि ईवीएम बंद करो? क्या कहीं किसी देश के किसी ऐसे नागरिकों का समूह बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर ये कहने आया है चुनाव आयोग से कि आप ईवीएम बंद करो? जब उसे भरोसा है तो आप उनके प्रतिनिधि होने के नाते इसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं है, अभी आपने पहला स्टेप उठाया, ईवीएम के बारे में प्रश्न शुरू किए कि ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में गड़बड़ी। 2014 में जब आप हारे, सुपड़ा साफ हो गया, तो मायावती जी ने शुरुआत की और उसके बाद सब एक राह पर चल पड़े कि ईवीएम में गड़बड़ी। फिर तो आप यूपी हारे, फिर ईवीएम में गड़बड़ी। छत्तीसगढ़ जीते, कोई ईवीएम के बारे में प्रश्न नहीं होता है। मध्य प्रदेश जीते, ईवीएम के बारे में कोई प्रश्न नहीं होता है। राजस्थान जीते आप, ईवीएम के बारे में कोई प्रश्न नहीं होता है। कर्नाटक जीते, जीतने जैसे हो आप, तो आप ईवीएम के बारे में कोई प्रश्न नहीं होता है। जहां जहां पश्चिम बंगाल में एक तरफा जब ममता बनर्जी जीतती है तो ईवीएम को लेकर कोई प्रश्न नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर एक दल जब जीतता है तो आप ईवीएम को ब्लेम करने लग जाते हो। भाई, आपकी दल से दुश्मनी हो सकती है, देश से तो दुश्मनी नहीं है, देश के चुनाव आयोग से दुश्मनी नहीं है। ये आपका ही बनाया चुनाव आयोग था, आप ही के राज्य में टीएन सेशन ने बताया था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। उसने उस संस्था को, टीएन सेशन ने उस समय उस संस्था को एक इतनी बड़ी गरिमा दी है, इतना बड़ा विश्वास लोगों का दिया है, लोगों का ट्रस्ट है चुनाव कमीशन के अंदर, चुनाव प्रणाली के अंदर। लोग वोट डालते हैं और डालकर आकर कहते हैं कि बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, ये लोग बताते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन आप ऐसा भ्रम एक फैला रहे हो देश के अंदर, जिससे लोग ये नहीं बता पाएंगे क्या हो रहा है, क्या मेरे वोट से सरकार बदल जाएगी, क्या मेरे वोट से सरकार बन जाएगी। लोग बाहर आकर के ईवीएम को आम लोग भी बात करने लग जाएंगे। अभी आपने पहला स्टेप उठाया कि ईवीएम को लोकल लेवल ब्लेम किया, फिर आपने दूसरा स्टेप उठाया ईवीएम को नेशनल लेवल पे ब्लेम करना शुरू किया, अब आपका स्टेप उठ चुका है कि ईवीएम को आपने इंटरनेशनली ब्लेम करना शुरू कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि अगला स्टेप ईवीएम विरोधियों का ये होगा कि वो जैसे किसानों को इकट्ठा करते हैं आंदोलनों के लिए, या आरक्षण के लिए पटेलों को किसी ने इकट्ठा किया, या गुर्जरों को इकट्ठा किया, किसी दूसरी जाति समाज को इकट्ठा किया, वैसे ही अब लोग कोई ईवीएम को भी, कोई अगला कदम यही होगा। ये इलेक्शन में अगर आते हैं, इस इलेक्शन में कोई रिजल्ट ऐसे आ जाते हैं जो कि विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होने हो, तो पूरी संभावना इस बात की है कि जून जुलाई में एक बड़ा आंदोलन हो जिसमें 2-10-20 लाख लोग इकट्ठा होने का दावा किया जाए, और वो सारे लोग आकर के कहें कि ईवीएम को बंद कर दो। ये भी संभव है, क्योंकि हर हथकंडा, हर काम, हर षड्यंत्र उसमें अपनाया जा रहा है। ईवीएम पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, देश पर भरोसा नहीं, देश के राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, देश की राजनीतिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं, तो भरोसा किस बात पर हम करेंगे? ये गैर भरोसा होना ठीक नहीं है। अब इस पूरी घटना का नुकसान किसको होने वाला है? इस पूरी घटना का जो नुकसान है, आप देखिए सेंसिटिविटी कैसे बदलती है। जब कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अभिषेक मनु सिंघवी जब फ्रंट बनते हैं, 2014 में आप बैक जाइए, तो लोगों के मन में एक असहजता फील होती है, क्योंकि ये मजाक सा उड़ाते हैं, क्योंकि लॉयर्स हैं, लॉयर्स के पास तर्क होते हैं, और तर्क जब आदमी देता है जनता की कोर्ट में, तर्क से ज्यादा इमोशंस चलते हैं, इमोशंस और लोग समझते हैं, तर्कों के पीछे की चीजें समझते हैं।
यहां लोग आपके हाथ में उंगली में सिगरेट देख रहे हैं और आप कहते हो ये जो है सिगरेट मेरे हाथ में नहीं है, तो लोग कहते हैं ऐसे कैसे नहीं आपके हाथ में है, तो आप कहते हो नहीं मेरे हाथ में नहीं, मैं साबित कर सकता हूं। कैसे साबित कर सकते हो? बोले मेरे हाथ में नहीं, ये मेरी उंगलियों में। तो ये जो तर्क है, ये जो तर्क है, ये आपके किसी प्रमाण में, किसी तर्क शास्त्र में चल जाएगा, किसी अदालतों में भी चल जाएगा, लेकिन लोगों के सामने नहीं चलेगा। उनको सामने सिगरेट दिख रही है, आप हाथ में पकड़ो आप या उंगली में पकड़ो, आप साबित कर दो कि हम हाथ में नहीं पकड़े, हम उंगली में पकड़े, उंगली में नहीं पकड़े, हम हाथ में पकड़े, उंगली में नहीं बल्कि उंगली के दो इन हिस्सों में पकड़े हुए, या हम नाखूनों से इस तरह से पकड़े हुए, या मैं लिप्स से इसको पकड़े हुए, कुछ भी आप साबित कर सकते हो साबित करने को। लेकिन जो लोगों को दिख रहा है उसके बाद से वहां से चिड़चिड़ाहट शुरू होती है, जो इरिटेशन शुरू होता है पब्लिक का, वो इरिटेशन फिर किसी रूप में तब्दील होता है, जो मुझे इसमें सुजा पूरे कांड से ये दिखाई दे रहा है कि सुजा कांड का जो है राजनीतिक फायदा अगर किसी को मिलेगा तो बीजेपी को मिलेगा, और राजनीतिक नुकसान अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे बेल बटन जरूर दबा दें।